फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सरस्वती एकेडमी। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सामने लिखा हुआ है कि हम वॉइस पढ़ रहे थे और आपने देखा कि हमारा कंसेप्ट क्या था। केवल दो शब्दों से हमने वॉइसेस को किस प्रकार चेंज किया जाता है, बिना किसी रूल को याद किए, बिना किसी टेंस को देखे, बिना किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखे, किस प्रकार केवल दो शब्दों से सारे के सारे वॉइस बदले जा सकते हैं, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो ये महामारी है, ये बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। हर दिन किसी दिन 2 लाख केस, किसी दिन 2.5 लाख केस, किसी दिन 3 लाख केस ऐसे हर रोज मिल रहे हैं। तो आप जहां भी बैठे हैं सुकून से रहें, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी फैलती है, लेकिन जब तक आप इससे अवेयर रहेंगे तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप इससे अवेयर रहें, सावधानी बरतें, बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपके पास आज के दिन एक बहुत बड़ी सुविधा है। अगर ये बीमारी आज से 20-30 साल पहले आती तो शायद घर में रहना, घर में समय व्यतीत करना, घर में रिसोर्सेज का पहुंचना मुश्किल हो जाता। बट आज आपके पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, आप किसी से भी पढ़िए, लेकिन ये देखिए कि कहां पर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और कहां पर आपका ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होता है। क्योंकि हमारे पास ये मान के चलिए कि अभी तो शायद 30 अप्रैल तक के लिए ये कॉलेज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस बंद किए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हो सकता है थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ जाए। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और बड़े अच्छे से हर एक कंसेप्ट को सीखते रहें, और जब तक भी ये लॉकडाउन चलेगा या ये स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे या हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेंगी, तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम डाटा इस पर प्रोवाइड कराया जाए। अब देखिए दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, दो सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस था आई शुड सिंग अ सॉन्ग, और मैंने कहा था कि आप इसको चेंज कीजिए। दूसरा सेंटेंस था ही टीचेस इंग्लिश। इन दोनों सेंटेंसेस को चेंज करने में आपको एक दिक्कत महसूस हुई होगी। आपको ये शायद ये नहीं पता चला होगा कि कहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसके लिए मुझे बी लगाना है और कहां पर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए मुझे इज, आर, एम लगाना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हालांकि मैं अपनी पहली वीडियो में यह बात बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, एक वर्ब होती है बी, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी और इज, आर, एम। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन और फोर्थ फॉर्म होती है बींग। फर्स्ट फॉर्म बी और इज, आर, एम, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन और फोर्थ फॉर्म बींग। अब इसको बड़े ध्यान से समझते रहना, बड़े ध्यान से आपको यह याद होना चाहिए, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी और इज, आर, एम, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बींग। अब क्या करना है आप लोगों ने, आपने देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से नंबर पर है। केवल फर्स्ट फॉर्म में ये देखना है आपने कि वो फर्स्ट फॉर्म आपकी सेकंड नंबर पे है, वो फर्स्ट फॉर्म आपकी थर्ड नंबर पे है। अगर मैं यहां एक नोट लिख रहा हूं, फिर उसके बाद चेंज करूंगा नोट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड नंबर पर है तो उसके लिए इज, आर, एम का प्रयोग होता है।
अन्यथा अन्यथा बी का। देखिए मैंने जो यहां कंसेप्ट लिखा है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड नंबर पे है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड नंबर पे, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड नंबर पे है तो इसके लिए इज आर एम का प्रयोग होता है, अन्यथा प्रयोग होता है बी का। अब हम इसको चेंज करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, आपने यहां पर देखा कि यहां लिखा हुआ था यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट ए सॉन्ग, उसके बाद आपने आई के लिए यूज किया बाय मी, इसको बना दिया आपने ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये सुड ऐसे कैसा सेम, इस वर्ब को दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी, और उसके बाद इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म संघ, वॉइस चेंज हो गया। बड़े ध्यान से देखिए, दोबारा बताता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब यहां पर मैंने कल भी बताया था, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, पिछली वीडियो आप देखिए, इज आर एम वॉज वर हैज हैव और सेल विल, अगर इनमें से वर्ब है तो आपने ये देखना है कि यहां पर हमारा सब्जेक्ट, देखिए यहां पर क्या है सुड, सुड उनमें नहीं है तो इसको ऐसे कैसा प्रयोग करेंगे। अगर यहां पर होता इज तो फिर यहां पर आर भी आ सकता था, एम भी आ सकता था और इज भी आ सकता था। यही तो बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। देखिए अब ध्यान से नेक्स्ट बदलते हैं, क्या बदलेंगे, यह क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे कभी भी बी नहीं आता, सेकंड नंबर पे बी नहीं आता, बार बार बोलिए सेकंड नंबर पे बी नहीं आता, इतना ही तो याद करना है। तो आपने सबसे पहले लिखा इंग्लिश, लास्ट में आपने लिखा बाय हिम, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, इंग्लिश बाय हिम, हिम ही से, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, ये है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, यहां पर इंग्लिश के साथ इज लगेगा, ना आर लगेगा ना एम लगेगा, आर भी नहीं लगेगा और एम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आर लगता है प्लूरल के साथ और एम लगता है आई के साथ। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म टी ए यू जी एच टी टॉट, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिए आप कमेंट में कमेंट करें अगर कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ आया, जैसे शायद पिछली क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, हालांकि हर टॉपिक के बाद, अभी हमारा एक टॉपिक टेंसेज कंप्लीट हुआ है तो मैं प्रैक्टिस की वीडियो लेके आऊँगा उसकी, हर टॉपिक के बाद हम प्रैक्टिस की वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से भी कंटेंट मिलता है, कहीं से भी कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है वॉइस चेंज करने के लिए, चाहे वो प्रीवियस पेपर में है, किसी क्लास की बुक में है या कहीं भी है, आप उसको चेंज कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप मेरे पास उसको लिखिए आप कमेंट में, क्लियर है। तो देखिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वन टू थ्री तीसरे नंबर पे और एक वन टू दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कभी भी बी नहीं लगेगा उसके लिए, उसके लिए लगेगा इज आर एम, और अगर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दूसरे नंबर को छोड़कर कहीं भी है तो उसके लिए लगेगा बी। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट फॉर्म में आपको यह ध्यान रखना था, मैंने इसीलिए यह सेंटेंस आपको होमवर्क में दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट को और समझते हैं और 10-5 सेंटेंसेस को बदलने की कोशिश करते हैं, फटाफट से देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह है तैयारी करने का एक बहुत अच्छा तरीका, मतलब एक जेन्युइन सा तरीका है कि कम शब्दों में ज्यादा सीखिए। मैटर बहुत होता है दुनिया में, बहुत कुछ है इसमें, अगर आप उसमें समा जाएंगे, अगर आप उसमें खो जाएंगे तो फिर वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे रास्तों को चुनिए जहाँ पर चलना मुश्किल भी हो और आसान भी हो, मुश्किल हो दिखने में और आसान हो चलने में, उस रास्ते को चुनिए, क्योंकि कठिनाइयाँ तो आसान रास्तों पर भी आती हैं और उन कठिनाइयों का हमें सामना करना है।
जैसे अभी किसी को नहीं पता था कि कोरोना आएगा, किसी को नहीं पता था कि भाई ऑनलाइन हमें घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऑफलाइन में जो इंटरेक्शन होता है वो ऑनलाइन में कभी हो ही नहीं सकता। जब टीचर स्टूडेंट सामने, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप खड़े होकर पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी शुड रन ए रेस, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने आपके सामने। तो अब देखते हैं 5 सेकंड में पेपर में कैसे निकालेंगे, वो 5 सेकंड वाला कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। आप 5 सेकंड में आंसर दे पाएंगे, वो इसके लिए 5 सेकंड से ज्यादा लगेंगे ही नहीं। देखिए कैसे, अब सबसे पहले ए रेस को बनाइए, सब्जेक्ट वी से बाय अस, शुड को ऐसे कैसा, रन वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट, कौन से नंबर पे है थर्ड नंबर पे, बी आ सकता है बी, और रन की थर्ड फॉर्म रन। यू कैन आस्क क्वेश्चन, सेंटेंस लिखा मैंने, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आप लिखेंगे बाय यू कैन ऐसे कैसा, यहां पर आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर वर्ब नहीं नंबर, यहां पर आप लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म के लिए बी की फर्स्ट फॉर्म बी, उसके बाद इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। मैंने लिखा दे प्लेड क्रिकेट, अब होगी समस्या। क्यों हुई समस्या? सर यहां पर वर्ब है प्लेड, और ये जो प्लेड है ना, ये सेकंड फॉर्म भी होती है और ये थर्ड फॉर्म भी होती है। अभी कुछ हंस रहे होंगे क्योंकि जिन्होंने वर्ब एरर पढ़ लिया है उनको तो शायद मेरे हिसाब से पता होगा कि ये यहां पर थर्ड फॉर्म है ही नहीं, ये यहां पर सेकंड फॉर्म है। आपको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि आपको हर एक वीडियो देखने के बाद यहां आना चाहिए, आपको मेरी हर एक वीडियो पहले देखनी पड़ेगी क्योंकि एक दूसरे से कंसेप्ट जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि हम जब आपको ये कोर्स पूरा करा देंगे तो आप CGL CPO मेंस में बैठिए और 200 में से 180-90 नंबर आप आराम से लगा लोगे। 200 में से 200 नहीं, झूठ बोलनी होती तो 200 की बोलता, 200 में से 180 से 190 नंबर आप बड़ी आसानी से लगा लोगे। और हमारा ना सबसे मेन फोकस यही है कि हम वो बहलाने फुसलाने वाली बातें नहीं कर सकते, जो वास्तविकता है वही आपके सामने कहेंगे। देखिए अब ये क्या है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर आपने तो लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा, देखिए कभी भी, पॉइंट सुनो ध्यान से, कभी भी थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड नंबर पे नहीं आती, कभी भी थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड नंबर पे नहीं आती, पहली बात। दूसरा, सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में आएगी तो सीधा सब्जेक्ट के बाद, और पैसिव में सेकंड फॉर्म आती ही नहीं। बड़े ध्यान से समझो, पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आती ही नहीं, वो डिड हैड की फॉर्म में, वाज की फॉर्म में आ जाए वो एक अलग बात है। देखो अब ध्यान से, मैंने लिखा शुरू में क्रिकेट, लास्ट में मैंने लिखा दे से बन गया देम, और देम से पहले बाय, फटाफट से लिखना है। अब ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म दो पार्ट में, बी की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर आएगा सर, क्रिकेट के साथ वॉज प्लेड। बताओ समझ आया नहीं आया? एक सेंटेंस और लिखते हैं, मैंने लिखा मोहन आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ऊपर तो आस्क देखने से आपको पता चल गया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां ये कौन सी फॉर्म हुई? ये हुई सर सेकंड फॉर्म, ये हुई सेकंड फॉर्म। मेरी दो बातों को याद रखो, दूसरे नंबर पे दूसरी फॉर्म, फर्स्ट भी आ सकती है सेकंड नंबर पे, लेकिन फर्स्ट को तो आप बड़ी आसानी से वैसे ही पहचान लोगे, सेकंड नंबर पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेकंड नंबर पे नहीं आएगी, बस इतना बहुत है। अब इसको बदलेंगे फटाफट से, मैंने लिखा क्वेश्चन,
लास्ट में मैंने लिखा बाय मोहन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब क्वेश्चन के साथ वॉज और उसके बाद थर्ड फॉर्म आस्क्ड। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइप में मैं आपको लगभग सेंटेंसेस समझा चुका हूं। अब मैं सेकंड टाइप की तरफ बढ़ता हूं और सेकंड टाइप में जैसे ही हम पहुंचेंगे तो एक अलग ही कंसेप्ट आपके सामने आएगा। हालांकि ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलेगा बट उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस होगा। तो आप पहले यहां तक प्रैक्टिस कीजिए खूब, यहां तक कोई डाउट आए तो मेरे से पूछिए, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपके डाउट्स के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब ध्यान से, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? अच्छा, मैं बार बार, आप उन दो शब्दों को ढूंढ रहे होंगे कि वो कौन से दो शब्द हैं जिनसे वॉइस चेंज होता है। वॉइस का अर्थ ही होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, आज वॉइस हमेशा वर्ब का चेंज होता है। ये तो बाकी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ले जाना है ना, ये तो जनरल फॉर्मेलिटीज ऑफ द सेंटेंस है। यू विल हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ द सेंटेंस। तो आपने केवल ये देखना है कि वर्ब क्या है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप 5 सेकंड में आंसर लगा पाएंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं पेपर के हिसाब से और फिर पहुंचता हूं सेकंड पॉइंट पे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि पेपर में कैसे आएगा। मैंने लिखा दे हैड कुक्ड फूड, ऊपर आ गया चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज कीजिए। ऑप्शन ए फूड वॉज कुक्ड बाय देम, ऑप्शन बी फूड हैज बीन कुक्ड बाय देम, तीसरा ऑप्शन फूड हैड बीइंग कुक्ड बाय देम, और फोर्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया फूड हैड बीन कुक्ड बाय देम। कैसे 5 सेकंड में आंसर निकालेंगे? देखिए 5 सेकंड में आंसर निकालना बहुत आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है पूरा। आपने देखा कि सर यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहां लिखा हुआ है बी, तो बी की थर्ड फॉर्म है बीन। जिस ऑप्शन में बीन है केवल वही हमारा आंसर है। दो ऑप्शन बच गए, ये दो तो कट गए सर, ये तो हो ही नहीं सकते। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने देखा बी की थर्ड फॉर्म क्या है बीन। यहां वर्ब की जो फॉर्म है वही बी की फॉर्म, देखिए आपने यहां देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर बी की थर्ड फॉर्म दो में है, बीन और बीन, केवल दो ऑप्शन। अब देखिए क्या सेंटेंस में हैज है, नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता ये आंसर। कितने सेकेंड लगे? दोबारा बताता हूं, दोबारा समझिए। यहां पर देखा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड, तो बी की वही फॉर्म देखिए। अगर यहां पर फोर्थ होती तो बी की फोर्थ फॉर्म जिसमें बीइंग है वही आंसर। यहां थर्ड फॉर्म है बीन, तो जिसमें बीन है वही आंसर। हो सकता है कि आपको दो में मिले, हो सकता है तीन में मिले, लेकिन एक ऑप्शन तो अलग हो जाएगा। उसके बाद वाला कंसेप्ट भी मैं आपको समझाने लग रहा हूं। ऑप्शन से आंसर आप 5 सेकंड में एलिमिनेट कर सकते हैं अगर यहां से आपने यह पहचानना सीख लिया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। केवल इतना देखना है कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट है तो क्या आएगा बी, अगर फर्स्ट सेकंड नंबर पे है तो क्या आएगा इज आर एम, अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा वॉज वर, अगर थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा बीन, अगर फोर्थ फॉर्म है तो क्या आएगा बींग। इज इट क्लियर? निकाल लोगे? यहां पर देखा क्या है हेड, तो हेड देखो किस ऑप्शन में है, एक और दो। यहां से देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, इसमें ये सर ये आंसर हो गया। 5 सेकंड में लगा लिया। और लिखता हूं एक सेंटेंस, अब आपने निकालना है, बड़े ध्यान से। मैंने लिखा मोहन
was eating meal. Option first, meal was eaten by Mohan. Option second, meal was been eaten by Mohan. Option third, meal was being eaten by Mohan. ऑप्शन फोर्थ, आपको हो गया लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, हमें मिल गया आंसर. ऑप्शन फोर, नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, ऊपर वालों में से कोई नहीं. देखिए अब ध्यान से, आंसर आपको मिल चुका है. आपने देखा यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग. क्या है बी की फोर्थ फॉर्म? बीइंग. तो यही आंसर है सर. कितनी सेकंड लगी? तो दोस्तों कंसेप्ट को समझना होता है, और उस कंसेप्ट को समझिए. मैं आगे रूल नंबर सेकंड पे पहुंचता हूं. रूल नंबर सेकंड को बड़े ध्यान से समझना. देखिए मैंने लिखा, अगर सेंटेंस में डू डज डिड हो, अगर सेंटेंस में डू डज डिड हो, देखिए यहां मैंने डू डज डिड नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एक अलग कंसेप्ट है. अगर सेंटेंस में डू डज डिड हो, मैंने लिखा रूल नंबर टू. रूल नंबर टू, अगर सेंटेंस में डू डज डिड हो, तो अगर सेंटेंस में डू डज डिड हो तो उसका वॉइस चेंज नहीं करते, उसका वॉइस चेंज, सॉरी, उसको वॉइस चेंज करने के बाद नहीं लिखते, वॉइस चेंज करने के बाद नहीं लिखते. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर डू या डज है तो उसको तो लिखना नहीं, उसकी जगह आपने कुछ और लिखना पड़ेगा. अगर डिड है तो डिड को तो लिखना नहीं, उसकी जगह कुछ और लिखना पड़ेगा. जिन्होंने पहली वीडियो देखी है, सबसे पहली वीडियो वर्ब एरर के नाम से, सिलेबस वाली नहीं, सिलेबस के बाद वाली पहली वीडियो जो वर्ब एरर के नाम से है, उस वीडियो में क्या है. अच्छा एक और बात, मैं वही सिखा रहा हूं, साथ में नवीन सर की क्लासेस चल रही है रीजनिंग की, संदीप सर की क्लासेस चल रही है मैथ्स की, आप उनको भी देखें. क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, चार पहिए होते हैं गाड़ी के, अगर एक में भी पंक्चर है ना तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते. आप अपने उन चारों पहियों को मजबूत कीजिए. आप इंग्लिश की वीडियोज देखिए, साथ साथ संदीप सर की वीडियो देखिए, संदीप राणा सर और संदीप सर, एक परसेंटेज टॉपिक चला हुआ है साथ साथ, और एक संदीप राणा सर के चली हुई हैं वीडियोस, नवीन सर की वीडियोस चली हुई हैं, वो भी आप देखिए उनके प्लेलिस्ट में जाके. गोविंद सर कल परसों एक बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने कराया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप देखिए उनकी साइंस की क्लासेस देखिए, करंट अफेयर की क्लासेस देखिए. हरियाणा जी के, शायद मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में आपको इनसे अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, ना हरियाणा के, ना मैथ्स के, ना रीजनिंग के, ना हिस्ट्री के, आपको कोई टीचर इनसे अच्छा नहीं मिलेगा. आप हर एक टीचर की वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए. और ये नहीं पता कि कोरोना से कब आपका पिंड छूटने वाला है, कोरोना का ये लॉकडाउन या कोरोना का ये फैलाव कब खत्म होगा, ये हमें बिल्कुल नहीं पता. लेकिन एक चीज पता है कि जिस दिन ये स्कूल, कॉलेज, ये इंस्टीट्यूशन दोबारा खुले, उस दिन आपके हाथ में सरकारी नौकरी हो, जिस दिन आप अगले पेपर में बैठें, वो अगला पेपर आपको सिलेक्शन देके जाए. वी आर कमिटेड टू दैट.
लेकिन आपको भी उतना ही जोश उतना ही जुनून दिखाना पड़ेगा। हर एक वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। देखिए अब ध्यान से, अगर डूडज आया हुआ है तो डूडज के लिए हम यूज करते हैं, डूडज है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये शायद सभी को पता होगा, पहली वीडियो में मैंने बताया था डूडज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम बी की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे और वो है इज आर एम। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने यहां बी क्यों नहीं लिखा। देखिए बी कभी भी सेकेंड नंबर पर नहीं आता और इस डूडज की आदत खराब है, ये हमेशा आता ही सेकेंड नंबर पे है। ये या तो आपको सब्जेक्ट से पहले मिलेगा या सब्जेक्ट के बाद मिलेगा। ये जो मैं सेकेंड नंबर थर्ड नंबर बोलता हूं ना, ये है पॉजिटिव सेंटेंसेज की बात, अफर्मेटिव सेंटेंसेज की बात। देखिए अब ध्यान से, यहां पर अगर डिड है तो डिड अपने आप में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म के लिए हम लगाते हैं वॉज वर। अब ये आपको उससे भी आसान लगेगा, क्यों? क्योंकि इस डू डज डिड के बाद आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इस फर्स्ट फॉर्म को आपने दो पार्ट में नहीं तोड़ना, ऐसे कैसा इसको थर्ड फॉर्म में बदल देना है। दो पार्ट में क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो इसका मतलब मैंने फिर बता रहा हूं, मैंने लिखा केवल दो ही शब्द हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉइस मीन्स, आगे ये नहीं कहना कि वॉइस दो प्रकार के एक्टिव पैसिव ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये बोलना है कि वॉइस का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉइस का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉइस का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहां पर डू डज लिखा हुआ है, डू डज के लिए मैंने कहा इज आर एम, डिड के लिए मैंने कहा वाज वर। तो मैं सेंटेंस लिखता हूं और बी का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि बी तो यहां ऑलरेडी आ चुका है। देखिए कैसे, मैंने लिखा ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इतना तो आप सभी कर सकते हैं, आपने लिखा ए सॉन्ग और लास्ट में आपने लिखा बाय हिम। इतने में तो शायद मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो आप सभी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है डज, डू डज के लिए इज आर एम, यहां पर आपने लिखा इज, उसके बाद आपने लिखा नॉट, इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद बस, बहुत सिंपल है। आपने लिखा शुरू में आपने लिखा ए सॉन्ग, उसके बाद आपने लिखा डज के लिए इज, डू डज के लिए इज आर एम, डू डज के लिए इज आर एम, डिड के लिए वाजवर, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। अब आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर यहां पर आपने इज आर एम के साथ बी क्यों नहीं लिखा? बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बी तो यहां आ चुका है, ये रहा बी और ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये बी की ही तो फॉर्म है इज। पैसिव वॉइस में हर सेंटेंस में आपने सबसे पहले यह देखना है क्या सेंटेंस के अंदर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है या नहीं। अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई तो इसका मतलब आपका पैसिव अभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो ये थर्ड फॉर्म बी के बाद आती है ये केवल पैसिव वॉइस में आती है। इज इट क्लियर? तो हमारे वॉइसिस के दो रूल हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।